हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले यहाँ होने वाली डिलॉयट की तरफ से, डिलॉयट हायर कर रही है जूनियर क्रॉनिकल इंजीनियर के लिए। ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि बड़ी होने का रीज़न क्या है, ठीक है। तो इसके करियर पेज पे जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जूनियर क्रॉनिकल इंजीनियर जो है इसके लिए पहली बार तो ये 7 अलग अलग जॉब आईडी से हायर कर रही है, सारी लोकेशंस के लिए हायर कर रही है। जनरली जब ऑफ कैंपस डिलॉयट हायर करती है तो कम हायरिंग करती है, बट इस बार ये जो पोजीशन है ये काफ़ी मतलब काफ़ी मात्रा में इसके लिए पोजिशंस के लिए कल इनने हायरिंग पोस्ट करी है। तो उम्मीद है कि इस पर काफ़ी जल्दी पोजिशंस इनकी ब्लैंक होंगी, क्योंकि अगर मैंने जब करियर पेज पर देखा था तो इसी सेम पोजिशन से कल 10 से ज़्यादा जॉब आईडी से जॉब्स पोस्ट करी गई हैं, वो भी अलग अलग लोकेशंस के लिए। तो होप करते हैं ये वाली अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी होने वाली है, साइबर स्ट्रेटेजिक एंड रिस्क में होने वाली है। तो इसके अगर रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करूँ तो देखो, रिक्वायरमेंट स्किल्स की है एबल टू वर्क इन शिफ्ट्स ऑन रोटेशनल बेसिस, 6 मंथ टू अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सपोर्ट। 6 से 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट रखी गई है। एक्सपीरियंस विद फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज लाइक लीडिंग SIEM टेक्नोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉसिबल अटैक्स, मतलब बेसिकली पूरी जितनी भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक्सलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज, तो मतलब ये बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट रखी गई है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जॉब टू। तो जॉब टू के लिए यहाँ पे मैंने एक सीधे सीधे एक इमेज डाली गई है के टेक प्रोडक्ट की तरफ से। तो के टेक प्रोडक्ट हायर कर रही है बीटेक बीएससी 2020 21-22 पास आउट्स ओनली आरपीए फ्रेशर्स। आरपीए मतलब रिमोट प्रोसेस ऑटोमेशन। हैदराबाद आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। एनी टेक्निकल बैकग्राउंड कैन अप्लाई। सर्टिफिकेशन, एनी टेक्निकल सर्टिफिकेशन अगर आप पे हो सो ये आपके लिए एक एडवांटेज होने वाला है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो रिक्रूटर का मेल है वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है श्री श्याम एट kastechssg.com। इस पे आप डायरेक्टली अपना रेज्यूमे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, बस अपना रेज्यूमे ही मेल करना है, तो आप इस पे कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इस आर्टिकल की। तीसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फोन पे की तरफ से होने वाली है। ओपीएस एनालिस्ट के लिए हायर कर रहे हैं। तो इसकी बात करते हैं, ओपीएस एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसमें पोजीशन की बात करूं तो देखो, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें बैचलर्स अप्लाई कर सकते हैं, 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग, और फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी ये पोजीशन ओपन है, एक एंट्री लेवल पोजीशन ये है। और ऊपर से जो इसकी लिंक है वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है इसमें अप्लाई करना, तो अच्छा है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डॉक्स, गूगल शीट्स, थोड़ी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई है। और अप्लाई करने के लिए आपको बस अपना फुल नेम, लास्ट नेम डालना है, ईमेल, फोन डालना है, रेज्यूमे अटैच करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल, वेबसाइट डालनी है, सीधे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी काफ़ी मतलब सही रहेगी, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए फ़ोन पे वो भी ऑफ कैंपस काफ़ी कम हायर करती है, और ये जो इनने पोस्ट करी है बिल्कुल रिसेंटली पोस्ट करी है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए होने वाली है, उसमें फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी बात करते हैं ईवाई की तरफ से। ईवाई हायर कर रही है एनालिस्ट इन बिजनेस इनसाइट के लिए। तो अगर बात करें तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो मेंशन नहीं किया है, बट आपको रिलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए, तो बात कर लेते हैं उस पोजीशन के बारे में। तो एनालिस्ट इन बिजनेस इनसाइट के लिए हायर कर रही है। स्किल्स नीचे में डाला है, पैशन फॉर डूइंग बिजनेस रिसर्च एनालिसिस, एक्सलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, एक्सलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, गो गेटर एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग लर्निंग स्किल्स, ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट इनने रखी है। सो आई विल बी पुटिंग आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर हायरिंग ऑपर्चुनिटीज लाइक दिस। थैंक यू।